यूपी में कांग्रेस ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए नया प्लान तैयार किया है। पार्टी अब भाजपा के खिलाफ पर्दाफाश अभियान चलाएगी। हर जिले में जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर प्रदर्शन होगा। पार्टी जनता के बीच जाकर उसे बताएगी कि भाजपा की सरकार ने कौन से वादे पूरे नहीं किए। इसे कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने की मुहिम बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का फोकस दलित बस्तियों पर है। आने वाले दिनों में दलित बस्तियों की 3000 चाय की दुकानों पर कांग्रेस नया अभियान चलाएगी। यह अभियान 15 से 25 जून तक चलेगा। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी चुनौती और बीते चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड। 24 के चुनाव में अगर कांग्रेस को दिल्ली पर कब्जा करना है तो उत्तर प्रदेश की बंजर जमीन पर वोट के फूल किसी भी कीमत पर उगाने ही होंगे। पर सवाल है, ये होगा कैसे? कांग्रेस जानती है कि अगर यूपी में अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले दिनों में फिर से चुभने वाले नतीजे मिल सकते हैं। इसलिए पार्टी कभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करती है तो कभी जिले जिले में प्रदर्शन होते हैं। इस बीच कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू करने की तैयारी की है। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस पर्दाफाश अभियान शुरू करेगी। अभियान के तहत भाजपा सरकार के खिलाफ हर जिले में प्रचार होगा। जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। गैस सब्सिडी और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर विरोध होगा। पार्टी ने जिला और शहर कमेटियों को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमीन पर मजबूत तैयारी में जुटी है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। भाजपा को पिछले साल कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी घेरा जाएगा। जहाँ तक डॉक्टर सीपी राय को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और समाजवादी पार्टी को इन्होंने बहुत यत्न के साथ मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर चलाया था, तो उनका जाना तो मैं मानता हूँ निसंदेह सपा के लिए एक क्षति होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर माहौल तैयार कर रहे हैं। नकुल दुबे गुरुवार को रायबरेली में थे, जहां बछरावा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि रायबरेली को लेकर कांग्रेस के भीतर नए सिरे से तैयारी हो रही है, जिसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। जी, आज हम लोगों ने रायबरेली जनपद के बछरावा विधानसभा में जगह जगह पर अपनी छोटी छोटी संगठन की बैठक लगाई है जी। और इस बैठक का मेन उद्देश्य संगठन की सुरक्षा, अपने साथियों को और अधिक संख्या में जोड़ना और कांग्रेस पार्टी को हर कीमत पर 2024 में यहाँ हमारी सांसद हैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, अब की बार उनको 2-3 गुना ज़्यादा वोटों जीता करके संसद में पहुँचाना और इस देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। एक तरफ कांग्रेस की नई ब्रिगेड मोर्चा खोलकर तैयार है तो दूसरी तरफ पार्टी के ही कुछ बुजुर्ग नेता भविष्य की चिंता जता रहे हैं। हालांकि उन्हें जमीन पर वो तैयारी नजर नहीं आती जो एक जमाने में हुआ करती थी। मेरा अपना तो विचार ये, मैं अपने आप को तो स्वयं सक्रिय रखता ही, लेकिन नेतृत्व को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे जैसे जो विभिन्न जनपदों में कांग्रेस की पहचान के रूप में रिकग्नाइज हैं और अवस्था भी उनकी कुछ बढ़ गई है, उनको भी निकालने का प्रयास करना चाहिए और इस ओर विचार चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों को पार्टी हित में काम करने के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। कांग्रेस को अगर यूपी में कुछ बड़ा करना है तो इसकी रणनीति भी बड़े स्तर पर बनानी होगी, वरना नतीजे कुछ वैसे ही मिल सकते हैं जैसे पिछले कुछ चुनाव में मिलते रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।